नमस्कार, नेशनल फिर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए भारत के जनरल इलेक्शन से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देते हुए उसे स्क्रैप कर दिया है। अब से भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड्स मान्य नहीं होंगे और ना ही वो इशू किए जाएंगे। देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स वो तरीका है जिसके थ्रू कंपनीज पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग करती हैं। इसे इंट्रोड्यूस किया गया था 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा। जब से स्कीम स्टार्ट हुई है इसको लेकर कई विवाद हैं और फाइनली अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया है। इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने की, जिसको चेयर कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ सिंह। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करता है उसको डायरेक्शन दी है के इमीडिएट इफेक्ट के साथ इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करना बंद कर दे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम भारत के संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) का वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यह भी आदेश दिया है कि 2019 के बाद से जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड इशू किए गए हैं उन्हें जिस पार्टी ने कैश कराया है SBI उन सबका डिटेल रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन के पास 6 मार्च तक सबमिट करे। और साथ ही इलेक्शन कमीशन को यह आदेश दिया गया है कि वो ये सारा डेटा अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश करे, एंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन। भारत के चीफ जस्टिस ने क्लियरली कहा है कि SBI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बताएगी कि भारत की पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू कितना डोनेशन मिला है और इस स्कीम के थ्रू किस पॉलिटिकल पार्टी ने कितना डोनेशन रिसीव किया है। साथ ही SBI ये भी बताएगा कि किस पॉलिटिकल पार्टी ने कितने इलेक्टोरल बॉन्ड इन कैश कराए हैं। लास्ट ईयर अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ जो पेटिशंस फाइल की गई थी उन पर सुनवाई शुरू की थी। ऐसी 4 पेटिशंस फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। साथ ही एक पेटिशन फाइल की थी कांग्रेस लीडर जया ठाकुर ने, एक पेटिशन फाइल की थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने और एक पेटिशन फाइल की थी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी ADR ने। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को स्टार्ट किया गया था 2018 में। हालांकि जब इस स्कीम को लाया गया था तब ये कहा गया था कि इससे जो पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग होती है उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी यानी पारदर्शिता। लेकिन इस स्कीम को क्रिटिसाइज करने वाले लोगों का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के थ्रू कौन सी कंपनी कितना डोनेशन दे रही है और किस पॉलिटिकल पार्टी को दे रही है इसको और भी ज्यादा सीक्रेट बना दिया गया है और साथ ही इससे जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट का आर्गुमेंट ये था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू जितना भी पैसा आता है चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आए वो आता है बैंकिंग चैनल के थ्रू, क्योंकि ये इलेक्टोरल बॉन्ड आपको बैंक से खरीदने पड़ते हैं और वो भी सिर्फ एक बैंक से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट का ये भी कहना था कि किसी भी डोनर की आइडेंटिटी इसलिए सीक्रेट रखी जाती है जिससे कि वो बाद में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का निशाना ना बने। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा है कि इस स्कीम में सेलेक्टिव एनोनिमिटी क्यों है और सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से ये भी पूछा कि पहले कंपनीज पर जो लिमिट थी कि वो कितना डोनेट कर सकती है किसी पॉलिटिकल पार्टी को उसे क्यों हटा दिया गया और अब वो पहले से ज्यादा डोनेट कर सकती हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। जब से इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम स्टार्ट हुई है भारत में तब से हमेशा BJP पर ये आरोप लगे हैं कि इसके थ्रू जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग हो रही है उसका सबसे बड़ा शेयर जाता है BJP को। और अगर आंकड़ों की माने तो ये बात काफी हद तक सच भी दिखाई देती है। देखिए इस इमेज में वो डेटा दिया गया है जिसमें बताया गया है कि 2017-18 से 2022-23 तक इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू किस पॉलिटिकल पार्टी को कितनी फंडिंग मिली। आप यहां पर क्लियरली देख सकते हैं सबसे ज्यादा पॉलिटिकल फंडिंग हासिल करने वाली इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू भारतीय जनता पार्टी ही है। इवन देखिए 2019-20 में अकेले भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू 2555 करोड़ रुपए मिले थे, 2021-22 में 1033 करोड़ और 2022-23 में 1294 करोड़ रुपए। अगर भारत की तो मेन नेशनल पार्टीज की बात करें तो पिछले 6 सालों में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के थ्रू जितना भी पैसा पॉलिटिकल पार्टीज को मिला है उसमें से 57% मिला है भारतीय जनता पार्टी को और इसके मुकाबले कांग्रेस को मिला है सिर्फ 10%, जहां BJP को मिले हैं 5271 करोड़ रुपए पिछले 6 सालों में जब से स्कीम स्टार्ट हुई है, वहीं कांग्रेस को मिले हैं 952 करोड़ रुपए। देखिए इस चीज को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है क्या। 2017 में स्कीम स्टार्ट हुई थी और 2018 में लागू। इलेक्टोरल बॉन्ड बियरर इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे कि करेंसी नोट्स, ये हासिल किए जा सकते हैं सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से और ये मिलते हैं डिफरेंट डेनोमिनेशंस में जैसे कि 1000, 10000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़। इन्हें कोई भी खरीद सकता है चाहे वो इंडिविजुअल हो, ग्रुप हो या कोई कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन।
और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकता है। इनके इशू होने के बाद 15 दिन के अंदर इनको कैश कराना होता है। अब हालांकि भारत के कानून के हिसाब से कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कैश में 20,000 रुपए से ज्यादा डोनेट करेगा तो उस पॉलिटिकल पार्टी को उस व्यक्ति की आइडेंटिटी रिवील करनी होगी। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू अगर कोई व्यक्ति 1 करोड़ रुपए भी डोनेट करता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो आज तक ऐसे किसी भी व्यक्ति की आइडेंटिटी रिवील नहीं की गई है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी द्वारा। जब से इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत हुई है तब से मेन सोर्स बन गया है पॉलिटिकल फंडिंग का भारत में। भारत की पॉलिटिकल पार्टीज को अराउंड 56% डोनेशन आती है इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू। अब इस स्कीम के थ्रू किसी भी व्यक्ति को ये फायदा होता है कि उसे अपनी आइडेंटिटी नहीं बतानी होती, तो अब ज्यादा से ज्यादा लोग या कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू ही डोनेट करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। और इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये अनडेमोक्रेटिक है और इससे करप्शन बढ़ता है। जब भारत सरकार इस स्कीम को लेकर आई थी तब कोई कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को कितना डोनेट करेगी उस पर लिमिट थी, लेकिन इस स्कीम के थ्रू उस लिमिट को भी हटा दिया गया। अब कोई भी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कितना भी डोनेट कर सकती है और ये बात उसे अपने स्टेटमेंट में बतानी भी नहीं पड़ती। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के आने से पहले फॉरेन कंपनीज के भारत की पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करने पर भी रोक थी, लेकिन इस स्कीम में उसको भी हटा दिया गया। अब कोई भी फॉरेन कंपनी अपनी इंडियन सब्सिडियरी के थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग कर सकती है। आप लोगों का सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।